हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने एक जैसे टी शर्ट पहनी है, ये हमने मीशो से ऑर्डर की है, मीशो से और मेरे बेटे की फ्लिपकार्ट से। तो कैसे लग रहे हैं हम कमेंट करके ज़रूर बताएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम इस मॉल में घूमने आ रखे हैं मैक्स में, और ये मॉल इस तरह का लगता है कुछ, उन्होंने इसका नक्शा रखा है देखने के लिए कि हम पूरे मॉल को देख सकते हैं कि ये कैसा लगता है। और बहुत ही अच्छा मॉल है ये, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ घूम के, बहुत फ्रेश सा फील हुआ क्योंकि सुबह से मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी, और एक बार मेरी मॉल में जाके भी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब हम एंटर के पार्क में गाड़ी लगाए, तो जैसे ही पार्किंग में हमने गाड़ी लगाई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बट अंदर आके अच्छा लगा। और यहाँ हमने खाना वाना खाया और मेरे लिए एक ड्रेस ख़रीदी, और हम 9 बजे तक घूमे थे इस मॉल में। खाना वाना खाने के बाद हम यहाँ से आए थे 9:30 बजे करीब। तो अच्छा लगा, अगर आप लोग का अच्छा लगे और आप देहरादून के आसपास हो तो इस मॉल में ज़रूर जाएगा, मैक्स में ज़रूर जाएगा आप लोग। तो चलिए, आप लोग इंजॉय करिए मॉल की वीडियो। उससे अच्छे से बनाती है ना फोटो। हेलो हेलो, ये लो बेटा चॉकलेट। मैं कर रहा हूँ फोन आपको, कौन सी फ्लेवर में चाहिए बोला। तो फ्रेंड्स, जब भी हम लिफ्ट में चढ़ रहे थे तो मैं सोच रही थी कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, क्योंकि मुझे ये मॉल बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ भी शेयर करूंगी हर एक क्लिप, तो आपको भी शायद अच्छा लगेगा। तो मैं ना नहीं बना पा रही थी लिफ्ट में चढ़ के, लेकिन इस बार मैंने ट्राई किया है और देखिए अच्छी नहीं बनी है। मैंने सोचा ऊपर से ही, मतलब लिफ्ट में जाते टाइम पूरा मॉल दिख जाएगा, तो नहीं दिखा। बट देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, आप देख सकते हैं। और अभी हम ना टॉप फ्लोर में आ गए हैं, यहाँ खाने की चीज़ें हैं, तो चलिए आप लोग इन्जॉय करिए। चलो अंदर। अच्छा, वो आपने लेटा है।
अब हम मॉल के यहाँ अंदर चले गए हैं जहाँ आप ग्रॉसरी की शॉपिंग कर सकते हो और रूम को डेकोरेट करने के लिए कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो। तो यहाँ सजावट की चीज़ें भी है और इस मॉल में ना सब चीज़ मिल जाएगी आपको, मतलब कॉस्मेटिक से लेके कपड़े से लेके और खाने पीने से लेके सभी चीज़ मिल जाएगा आपको एक ही मॉल में। तो इस मॉल में कभी आपको टाइम मिले तो ज़रूर विज़िट करिएगा और हम भी घूमते हैं और आप भी घूमिए हमारे साथ के अंदर क्या क्या है। तो ये है संडे की मॉर्निंग, अभी 9:30 के करीब हो रहा है और हम हो गए हैं रेडी क्योंकि हम यहाँ से अब चेकआउट करने वाले हैं होटल से। और हमारा ये देखिए सामान हो गया है पैक और मैंने आज ये वाला टॉप पहना है, ये मैंने कल मैक्स से लिया था। ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और पिंक कलर मेरा फेवरेट है और ब्लैक कलर की जीन्स। और वैसे मैं अपने लिए प्लाजो लेके आई थी लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं मैं तुम्हारे कपड़ों को देख के बोर हो गया हूँ, कुछ अलग पहनो, तो उन्होंने मुझे ये कल ड्रेस खरीद के दी और मुझे बहुत पसंद आ रही है। आप लोग बताना कि कैसे लग रही है, मैंने फर्स्ट टाइम ये टॉप और जीन्स पहनी है। जीन्स तो पहले भी पहनी है लेकिन टॉप के साथ, टी शर्ट के साथ पहनी है पहले, टॉप के साथ फर्स्ट टाइम पहन रही हूँ। तो आप लोग बताना कैसे लग रही हूँ मैं और आगे हम कहाँ कहाँ घूमेंगे, जहाँ जहाँ भी घूमेंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और ईयरिंग में ये एक ही लेके आई थी तो मैंने यही डाल दिए हैं, तो आप लोग बताना कि मेरा लुक कैसे लग रहा है। मैं आपको अपना मतलब फुल लुक दिखाती हूँ कि कैसे लग रहा है, ठीक है? कैमरा उधर रख के तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे बाद में देखा कि बहुत ही ज़्यादा अंधेरा आ रहा है और मैं यही आप लोगों को बोल रही हूँ कि शायद ठीक से दिखा नहीं है, मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा लाइट लग रहे हैं जबकि ये टॉप बहुत ही ज़्यादा सुंदर है देखने में। तो अब हम आ गए हैं बाहर, होटल को बाय बाय करने का टाइम आ गया है तो हमने कर लिया है चेकआउट। मेरे हस्बैंड अंदर पेमेंट कर रहे थे तो हम थोड़ा बाहर टहल रहे थे और आज हमारा आगे मसूरी वगैरह जाने का प्लान था बट मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से हम नहीं गए हैं आगे। तो हमने सोचा कि लोकल में ही घूम लेते हैं यहाँ देहरादून में, बट लोकल में आज है लॉकडाउन, संडे को हर जगह लॉकडाउन रहता है तो यहाँ भी नहीं घूमे। और बुद्धा टेम्पल वगैरह हम पिछली बार घूम गए थे तो अब हम जाएंगे, रास्ते में मेरे हस्बैंड का ऑफिस पड़ता है वहाँ और उसके बाद सीधे घर। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल फ्रेंड्स, जय माता दी।